चलें बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास भी तकरीबन काफी ज्यादा तो आ ही गई है, 31 स्टूडेंट्स तो आ गए हैं। बाकी भी आ रहे होंगे, रास्ते में कहीं होंगे या कोई किसी ना किसी इशू को फेस करके पहुंच ही जाएंगे। हम लोगों ने बच्चों अपना चैप्टर स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी होते तो रास्ते में ही होते, भागे भागे। आप यूनिवर्सिटी होते तो तब भी आप रास्ते में ही होते, और अब आप यूनिवर्सिटी नहीं है तब भी आप रास्ते में ही। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि सोशल साइकोलॉजी हमारी जो डिफरेंट लाइफ इवेंट्स हैं उन पे किस किस तरह से इफेक्ट करती है, या वहाँ पे इसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो हैप्पीनेस और लोनलीनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसको ही लेकर अभी हम फर्दर चल भी रहे थे कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कहीं पे किसी जगह पे किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में लोनलीनेस को फील कर रहे होते हैं, तो हम उस पर किन किन चीज़ों के थ्रू अफेक्ट या किन किन चीज़ों के थ्रू किन वेरिएबल्स के थ्रू काबू पा सकते हैं, हमने वो देखा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था डिस्पोजिशनल लोनलीनेस पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने जेनेटिक्स फैक्टर्स देखे थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा सा देखा था, हमने डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स को देखा था, पेरेंटिंग को देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उस पर किसी ना किसी हवाले से या किसी ना किसी लिहाज से इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग अगर चाह रहे होते हैं कोई भी हमारा रिलेशनशिप हो, वो मैरिज का हो, हमारी दोस्ती का हो, हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे हमारा कोई भी रिलेशनशिप है, तो वो क्या चीज़ या वो क्या वेरिएबल है, वो क्या वजह होती है कि जो उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसको शैटर करने में या उसको लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेके जाने में इफेक्टिव होती है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो चीज़ होती है हमारी कमिटमेंट। जितने ज़्यादा हम कमिटेड होते हैं अपने काम से, अपने टास्क से, अपने रिलेशनशिप से, वो रिलेशनशिप कोई भी हो, मतलब आपका कोलीग का रिलेशनशिप है, आपका एक बहन भाई का रिलेशनशिप है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। जितने ज़्यादा आप उस चीज़ की तरफ, उस काम की तरफ कमिटेड होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी कि हमारी सोशली जितने ज़्यादा हम लोगों के साथ घुले मिलेंगे उतना ही ज़्यादा अफेक्टिव हो। फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी दोस्तियों पे, हमारी शादियों पे, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा होता है। वो फैक्टर्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं, जिसमें था सिमिलैरिटी एंड अज्यूम्ड सिमिलैरिटी। अब व्हाट इज मेंट बाय सिमिलैरिटी एंड अज्यूम्ड सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी और अज्यूम्ड सिमिलैरिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो लोग जो आपस में, वो दोस्त जो जिनकी आपस में सबसे ज्यादा दोस्ती होती है, और वो एक दूसरे के साथ आप ये कह लें कि हर उनकी आदतें एक जैसी होती हैं, या आप ये कह लें कि उन लोगों की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती है, पसंद नापसंद एक दूसरे से मिल रही होती है, तो वो लोग उनकी दोस्तियां ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो एक दूसरे को ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बिल्ड भी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर सेकेंड फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था डिस्पोजिशनल फैक्टर। एंड व्हाट इज मेंट बाय डिस्पोजिशनल फैक्टर? जहाँ भी बच्चों डिस का मतलब आता है ना, उसका मतलब होता है कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर। अब डिस्पोजिशनल फैक्टर्स में एक्चुअली उन्होंने जो बताया था, जिसमें हम लोगों ने पहले एक दफा इसको देखा भी है, उसमें ये था कि मतलब हम मैरिज को डिस्कस कर रहे थे या दोस्ती को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये कहा था कि जितनी ज्यादा पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब आप ये कह लें कि अगर हम एक दूसरे से थोड़े ओपोजिट होते हैं ना बहुत सी चीजों में, तो बाज़ औकात वो ओपोजिशन भी हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देती है। व्हाट इज मेंट बाय दिस ओपोजिशन? मतलब अगर आप, मतलब आपके माइंड में पूरे नहीं क्वेश्चन आना भी चाहिए कि भी हमने ऊपर पढ़ा है कि जितने ज्यादा आप सिमिलर होंगे या अज्यूम्ड सिमिलैरिटी को देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड हम फॉरन ही देख रहे हैं कि वहां पे वो एक बात को ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर डिस्पोजिशनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर वो दो, मतलब आप, मतलब एक काउंटर क्वेश्चनिंग आ रही है और एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है दोनों बातों में। तो ये बच्चों एक्चुअली है कि डिफरेंट रिसर्चेज ने इसको प्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक है, व्हाट इज मेंट बाय नार्सिसिस्टिक? जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है कि जो लोग सिर्फ अपनी बातों को अहमियत दे रहे होते हैं, दूसरे के होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दूसरा है नहीं है उनकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है नहीं, उन्हें सिर्फ ये होता है कि उनकी पावर हो, हर कोई उनकी बात को माने, उनकी बात को अहमियत दे, तो मतलब लोगों के लिए उनके अंदर एम्पथी बहुत कम होती है। अब देखिए, अगर एक पर्सन या एक पार्टनर ऐसा है, अब उसका दूसरा पार्टनर भी इसी पर्सनैलिटी के साथ आ रहा है, तो वहां पे वो रिलेशनशिप
ऑब्वियसली बिल्कुल भी चल ही नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाज़ औक़ात अगर एक तरह की पर्सनैलिटी, आप ये कह लें कि अगर एक अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी है तो दूसरी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा परमिसिव होना पड़ता है, यानी कि दूसरी पर्सनैलिटी को सबमिसिव होने के लिए कि उसकी थोड़ी थोड़ी बातें मानना पड़ती है। आप देखें अगर आपके दो दोस्त हैं या आपकी दोस्ती है ग्रुप में, अब उसमें से तीन लोग जो हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसी है और पर्सनैलिटी में एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली वहाँ पर उसका इफेक्ट होगा। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई या दोनों गुस्से के तेज़ होंगे तो वहाँ पर दोस्ती चल नहीं पाएगी, या अगर शादी है वो चल नहीं पाएगी। तो वहाँ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पे या किसी ना किसी बात पे या अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक जगह रहेंगे, एक जगह रह रहे होंगे तो वहाँ पे हमेशा आपकी बातें नहीं मानी, वहाँ पे बहुत से आपके जो साथ रह रहे हैं, जो आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ रह रहे हैं, आपकी बातों को शेयर कर रहे हैं, आपके साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस देना होती है। तो डिस्पोजिशनल फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनके होने से भी बाज़ औक़ात हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा शटर होता है, यानी कि उसको थोड़ी सी आप ये कह लें कि सहारा मिल जाता है आगे लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए। और अगर हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में या एक लव की रिलेशनशिप में कहाँ पे या इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करता है या उन चीज़ों के साथ कहाँ पे जा रहा होता है, तो हमेशा ठीक है, मतलब लव इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग के जो आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में या उसको आगे तक लेके जाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इम्प्लिसिट प्रोसेसेस। अब बच्चों द रोल ऑफ इम्प्लिसिट प्रोसेसेस का मतलब होता है कि हमारे जो अनकॉन्शियस कॉग्निशन होती है ना, हमारी जो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं अपने सामने वाले, अपने दोस्त के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, इसके मतलब अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, जो भी हैं जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, अपने बॉस के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, उन लोगों के लिए हमारे सब कॉन्शियस में डिफरेंट कॉग्निशंस होती हैं, यानी कि हम उनके बारे में कोई ना कोई ख्याल रख रहे होते हैं, उनके बारे में हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हम हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी डर की वजह से या किसी और बात की वजह से, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की, और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड लोगों की, कि वो लोग चीज़ों को डिफरेंट तरह से लेके चलते हैं। लेकिन अभी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के ही लोग हैं तो उनका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन अब आपके पास एक पर्सन है जो कि नार्सिसिस्टिक है और दूसरा पर्सन थोड़ा सा सबमिसिव है, यानी कि उसकी बातों को थोड़ा सा मान लेता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप लोग इन लोगों का आपस में या इनसे रिलेटेड बहुत सी बातें पूछेंगे तो वो उस पर्सन के लिहाज से अपनी बहुत सी बातें जो हैं या उसके माइंड में उस पर्सन के लिहाज से जो बातें आ रही होती हैं नेगेटिव साइड पे, तो उसकी कहीं ना कहीं शेयर हो जाती है। मतलब हम सब लोग जब तक अपनी चीज़ों को या डिस्कस नहीं कर पाते ना, चीज़ों को जितना मर्जी छुपाते जाएं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे वो चीजें जो है वो अफेक्ट करने लग जाती हैं और आप थक जाते हैं अकेले ही उन चीजों को आगे 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 करते। तो यहाँ पे बच्चों एक एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स थे, एक वर्ड लिस्ट थी वर्ड्स की। अब एक लिस्ट में उन्होंने ऐसे वर्ड्स डाले थे जो कि पॉजिटिव सेंस के थे, और जो दूसरी लिस्ट थी उसमें ऐसे वर्ड्स थे जिनकी नेगेटिव सेंस थी। अब वहां पे उन्होंने डिफरेंट मतलब कपल्स को लिया था और उनसे पूछा गया था कि अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग उनके माइंड में इनमें से कौन सा वर्ड आ रहा है। तो उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने पार्टनर्स को या उनकी उन चीज़ों के लिहाज से कभी भी जो बोला था पहले, या उनके साथ बैठ के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, या उनके साथ बैठ के जो उन्होंने की तारीफें की थी, वो बिल्कुल टोटली अलग थी एज कम्पेयर टू के जब उनके सामने वो वर्ड्स आए थे तो उन्होंने अपने पार्टनर्स की बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स को भी वहाँ पे बताया था। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इम्प्लिसिट प्रोसेसेस होते हैं ना, हमारे रिलेशनशिप को बाज़ औक़ात कायम करने में या दूर तक लेके जाने में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपने माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या इम्प्लिसिट प्रोसेसेस में हमेशा हमारा ध्यान नेगेटिव प्रोसेसेस की तरफ होता है या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ होता है? नहीं, हम बाज़ औक़ात अपने माइंड में ये भी तो बहुत सोच रहे होते हैं ना कि अगर वो पर्सन ऐसा है तो हमें उसके साथ ठीक बर्ताव करना है, या हमें उसके साथ ठीक अपना बिहेवियर रखना है, हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है, हमें चीज़ों को इस तरह से टैकल करना है। अब ये सारी वो बातें हैं जो आप अपने आपके सब कॉन्शियस में या आपने कहीं ना कहीं से सीखी होती, और एक टाइम पे वही बातें आपके लिए
कहीं ना कहीं अफेक्टिव होती हैं या आपकी हेल्प करती हैं चीजों को बहुत ज्यादा आगे तक और ठीक तरह से आगे तक लेकर जाने को। उसके बाद यहाँ तक तो बच्चों वो चीजें थी जो कि हम कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती। लेकिन अगर ये चीज, मतलब हम बहुत से हमारे रिलेशनशिप हैं जो कि हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे हमने सोचे होते हैं, कहीं ना कहीं या किसी ना किसी टाइम पे वो रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उन रिलेशनशिप्स के दरमियान। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्या बात, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कि रिलेशनशिप के फेल होने में भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब उन्होंने मतलब बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम मतलब यहाँ पे वो जो ज्यादातर चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हम लोग एक चीज को लेके वो चल रहे हैं, चीजें आपके साथ जा रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम आता है कि वहां पे वो चीजें खराब होना स्टार्ट हो गई। मतलब आपकी मैरिज जो स्ट्रॉन्गली जा रही है वो एक टाइम पे आके अफेक्ट हो रही है। अब उसकी फर्स्ट वन रीजन जो है बच्चों, मतलब कि हो सकता है कि अगर मतलब आपकी स्क्रीन पे जो भी अब आपको सारी रीजंस नजर आ रही हैं, ये सारी वो रीजंस हैं जो कि एक पर्सन फील कर रहा होता है जब हमारा रिलेशनशिप किसी भी टाइम पे खत्म होता है या वो फेल हो गया है या वो ठीक तरह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं उसकी, जिसमें फर्स्ट वन है प्रॉब्लम बिटवीन पेरेंट्स के बिटवीन पार्टनर्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, शादी होती है या कुछ भी है, तो वहां पे उस चीज को आगे तक चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों लोगों पे होती है। इवन बच्चों हमारी दोस्ती है ना, दोस्ती में भी, आपकी फ्रेंडशिप में भी, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उस जॉब में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सबॉर्डिनेट्स की नहीं होती या सिर्फ आपके आगे काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज की नहीं होती। आपके जो ऑनर हैं, जो आपके आपके उस फॉर्म को चला रहे हैं, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं, ऑब्वियसली उनकी भी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड इन हैंड चलती हैं तभी आपका काम ज्यादा ज्यादा आगे ठीक तरह से बढ़ रहा होता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप सारे फ्लॉज या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही पर्सन पे डाल देंगे तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप ना तो उतना स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही वो रिलेशनशिप इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ सकेगा। आप कभी एक दूसरे के साथ इवन क्या करेंगे कि अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकते, आप डिफरेंट डिसीजंस बनाने में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहे होते, आपको लाइफ में बहुत सी जगहों पे कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहे होते हैं, कभी आप कहीं पे कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कभी आप कहीं पे कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पर्सन, ऑब्वियसली आप एक फिजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ तो जाते ही हैं लेकिन उससे पहले बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी सी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन बच्चों ये सिंपल सी बातें सिर्फ आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि आपने एग्जाम देने हैं या आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है। आपने चैप्टर का नेम पढ़ा है, चैप्टर के नेम में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, अप्लाइंग सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सोशल साइकोलॉजी हम अपनी डेली लाइफ में अपने डिफरेंट जगहों पे किस किस तरह से या किस किस पॉइंट से या किस किस लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी वो चीजें चल रही हैं, हम उसकी एप्लीकेशन को देख रहे हैं सोशल साइकोलॉजी की। तो अब होप्स हो अगर आपकी दोस्तियां हैं या आपका अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप है, आगे जाके आपकी और रिलेशनशिप बनेगी, आप कहीं पर जॉब करेंगे, आपकी शादियां होंगी, तो वहां पे इन सब चीजों को देख के चलिएगा। अब ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, जो बॉयज बैठे हैं उनके लिए भी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है परसीविंग लव और एटलीस्ट अप्रूवल एज कॉन्टिजेंट ऑन सक्सेस। बाज़ोकात हमें लग रहा होता है कि जो हमारा सामने वाला पर्सन है ना, अब यहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा पार्टनर या हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमें ज़्यादा अप्रूवल या ज़्यादा एक्सेप्टेंस देंगी, तो वो डिफरेंट आप ये कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से देंगी जिनका ज्यादातर लिंक होता है हमारी एक्सटर्नल सक्सेस से। अब मतलब एक्सटर्नल सक्सेस से कैसे कैसे लिंक हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारी अचीवमेंट क्या है लाइफ में, हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा करियर अचीव किया है, कौन कौन सी चीजों को देखा है, आप अपने लाइफ में आपने कौन सी जॉब अच्छी हासिल की है, आपकी पे कितनी ज्यादा है, आपके पास जिंदगी गुजारने की फर्दर और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी,
बहुत से लोगों को चीजें इस तरह से लग रही होती हैं, लेकिन जब आपका ध्यान या जब आपकी समझ इन चीजों की तरफ ज्यादा होती है, या आपके अप्रूवल इन चीजों की तरफ ज्यादा होती है, या आप कहीं ना कहीं अपने सामने वाले या अपने पार्टनर को इन चीजों का एहसास दिला रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है या अपनी सेल्फ एफिकेसी होती है वो बिल्कुल खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप जिसमें यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, प्यार होना चाहिए था, या आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, वो चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीजों के मतलब इन एक्सटर्नल सक्सेसेस के ना होने की वजह से बहुत सी चीजों को निग्लेक्ट करते जाते हैं, और उस निग्लेक्शन की वजह से आहिस्ता 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 हमारी जो हैप्पीनेस है या हमारी हैप्पीनेस जो हमारे रिलेशनशिप के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई है वो खत्म हो जाती है, और ऑब्वियसली फिर ऐसा रिलेशनशिप एक ना एक दिन तो एंड हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि हम अगर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रोंग करना चाह रहे हैं, मतलब हमने पहले ये पढ़ा था कि रिलेशनशिप को स्ट्रोंग करने के वेरिएबल्स कौन से थे, उन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमें क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप फेल क्यों हो जाता है या खत्म क्यों हो जाता है, या रिलेशनशिप में जो हमारी डिफरेंट आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों अराइज हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें वो ले रहे हैं कि जो कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने में या कि उस रिलेशनशिप को डिफरेंट एक हाई अचीविंग तक लेके जाने में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट साबित हो रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने मतलब कि आपके रिलेशनशिप को कौन सी चीज ज्यादा सक्सीड कर रही है या सिक्योर कर रही है, उसमें आपके डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल भी हैं, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं अपने पार्टनर की तरफ, अपने साथ रहने वाले दोस्तों की तरफ है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहां पे रहने वाले अपने कोलीग की तरफ है, इवन अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किस हद तक कमिटेड है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किस हद तक लॉयल है। अब जैसे फर्स्ट वन है यहाँ पे नोइंग व्हाट बिहेवियर एनहांस द रिलेशनशिप। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे होता है कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज बेसिकली चाहिए होती है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा होती हैं अच्छी। तो यहाँ पे हमारा होता है कि मे बी अगर हम बच्चों इतनी लेट लेट क्यों आते हैं आप लोग। अब इसमें है कि हम सब लोगों को जानना होता है कि हमारी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में और इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाने में कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी। एक रिलेशनशिप को आगे तक बढ़ाने में या आपस में एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है ना बच्चों, वो होती है रिस्पेक्ट। हम अपने साथ वाले को, सामने वाले को, या हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारा मैरिज का रिलेशनशिप है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, कोलीग्स हैं, बॉस हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन हमारा कंट्री है, रिलेटिव्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। हम जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते जाएंगे किसी भी रिलेशनशिप में उतनी ही ज्यादा वो रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा। आजकल आप सबसे ज्यादा किसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, अपने मोबाइल फोन को दे रहे होते हैं ना सबसे ज्यादा। आपको चोट लग जाए बेशक उसे कुछ ना हो, उसे हर तकलीफ से बचाना चाह रहे हो तो इतना संभाल के रख रहे होते हैं। अब आप देखें उस संभालने के चक्कर में आपको उसके साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग हुआ होता है अपने मोबाइल के साथ, क्या आप उसे टूटने से बचा रहे होते हैं, उसे खराब होने से बचा रहे होते हैं। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने रिलेटिव्स का या जो आपके पास और रिश्ते हैं बच्चों और रिलेशनशिप्स हैं अपने दोस्त हैं उनका भी वैसे ही ध्यान रखें। फिर इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने मतलब हमें हर चीज स्टार्ट में ही एक्सपेक्ट नहीं कर लेनी चाहिए लोगों से, अपने दोस्तों से या अपने पार्टनर से, अपने एम्प्लॉयज से, अपने बॉस से, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उन्हें भी टाइम देना चाहिए और खुद को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें भी बच्चों थोड़ा टाइम लगता है ना चीजों को समझने के लिए, उनको आगे तक लेकर जाने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता हमें उनके अच्छाइयों को देखने के लिए, उनकी बुराइयों को देखने के लिए, सब चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना ज्यादा हम लोगों को रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज को जानने लग जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं, और इसके साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशनशिप को स्ट्रोंग करने की, आगे तक बढ़ाने की, वो होती है आपकी सपोर्ट।
आप अपने दोस्त को जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपकी दोस्ती उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होगी और उतनी ही ज्यादा लॉन्ग टर्म होगी। आप अपने बहन भाइयों को जितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं या किसी एक बहन भाई को जितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं उस बहन भाई की आपके साथ उतनी ही ज्यादा दोस्ती स्ट्रोंग होती है, उतना ही ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रोंग होता है। तो इसके साथ देखें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जैसे लेकर चल रहे होते हैं उसके साथ आप जितने ज्यादा लॉयल हैं, जितना ज्यादा सपोर्टिव हैं, उसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ जितने ज्यादा सपोर्टिव होते हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके साथ इतने ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा हो रही होती है और उतने ही ज्यादा आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हैं। और आपकी यही मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपको आगे फर्दर लेके चल रहा होता है। उसके बाद बच्चों, यानी कि आप अगर सपोर्ट, जितनी ज्यादा आप सपोर्ट देंगे सामने वाले पर्सन को, उतना ही ज्यादा वो पर्सन इन रिटर्न आपको चीजें, उतनी मतलब जितनी ज्यादा आप देते जाएंगे ना उतनी ही चीजें आपको और भी ज्यादा बढ़ के मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ें कि जितने ज्यादा आप पॉजिटिव होंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतने ही ज्यादा आप कंस्ट्रक्टिव होंगे। यानी कि हम सबके अंदर एक एज अ ह्यूमन बीइंग जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है ना बच्चों, उतने ही ज्यादा हम अपनी लाइफ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छे होते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हम चीजों को आगे तक लेकर जाते रहते हैं और उतनी ही ज्यादा वो चीजें कंस्ट्रक्टिव वे में बढ़ती चली जाती है। और अगर हमारा मतलब अगर हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स जितनी ज्यादा कम होंगी या हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी ज्यादा आती जाएगी तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप नेगेटिव चीजों की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होगा ना, मैंने अपनी दोस्त के लिए फलां टाइम पे ये काम किया था लेकिन उसने तो मेरी हेल्प ही नहीं की, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है आप उसी दोस्त से दूर जाते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दोस्त के साथ इस तरह से चल रहे हैं कि उस दोस्त ने भी आपका बहुत साथ दिया, आपने भी उसका बहुत साथ दिया, तो चीजें क्या है एक अच्छे वे में आगे बढ़ती जाएंगी। यानी कि इसीलिए बच्चों हमें एज अ ह्यूमन बीइंग्स या आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट, बल्कि इवन आप साइकोलॉजिस्ट ना भी होते तब भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको आगे तक लेके जाने में, बढ़ाने में और आपको क्या कहते हैं बच्चों से आपकी हेल्प करने में, आपको एट्रीब्यूट करने में मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और फिर जितने ज्यादा पॉजिटिव होते जाते हैं ना आपकी बच्चों हेल्थ भी उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। इसमें आपकी सिर्फ साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ का काम नहीं है, इवन आपकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाती है, वो भी आपके साथ उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर चीज में, आपकी हेल्प करने में, आगे बढ़ने में। समझ आ रही है बच्चों, एमएससी कहाँ सोए हुए हैं सारे? यस मैम। यस मैम इधर ही है। जाग रहे हैं? जी मैम। जी मैम। यस मैम। समझ आ रही है? जी आ रही है। इतने ज्यादा सोया सोया आंसर क्यों आ रहा है बच्चों? वो मैम जाग रही है। चलें शुक्र है, मुझे लग रहा है वाकई जाग रहे हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब ना डिफरेंट ओल्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि जब हम किसी पर्सन के साथ मतलब आपके दोस्त हैं या आपके घर वाले हैं या आपका पार्टनर है, हम सब लोग मतलब हमें सबसे पहले एक चीज मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस वो भी ये कहते हैं कि एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट भी हमें ये समझने की सबसे ज्यादा अहम जरूरत होती है कि हम सब लोग एक इंसान है और एज अ ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं है, बुराइयां भी हैं ऑब्वियसली। और एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को भी अपनी लाइफ में फेस करते हैं, हम हमेशा अच्छे नहीं होते या हम हमेशा हर किसी के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है ना, मतलब हम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइम्स पे अच्छे होते हैं और अगर हमारे साथ कोई अच्छा करेगा उसके लिए हम उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे या किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें किसी की तरफ से ऑपोजिशन को फेस करना पड़ रहा है तो वहां पे हम उसके साथ वैसा ही आगे से आप भी उसके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे, उसको आप उसके साथ वैसा ही बिहेवियर शो करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपके साथ अच्छे होते हैं हम उतने ज्यादा उनके साथ होते हैं। अब इसको कहा जाता है बच्चों कम्युनल अप्रोच।
अब कम्युनल अप्रोच ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह आप दोस्त हैं या आप किसी आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं, आप बहन भाई के रिलेशनशिप में हैं, आप पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में हैं, आप बॉस के एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं पे भी इवन आपका लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप है बच्चों, वो एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल मीन्स के वो कुछ ले और कुछ दे के ऊपर काम कर रहा होता है. अगर आप अपने कुछ ले और कुछ दे के ऊपर इस तरह से काम कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप कुछ दे रहे हैं किसी को या आप अपने दोस्त के साथ अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे होते हैं आपके साथ भी अच्छा किया जाए. हम बेशक कितना भी कहें कि हम लोग बहुत ज्यादा मुखलिस हैं या हम उसके साथ बहुत प्योर हैं, वो हमारे साथ बेशक पूरा करे तब भी हम उसके साथ अच्छा सलूकी करेंगे, लेकिन नहीं, एज अ ह्यूमन बींग हमें एक चीज है जो हमें चाहिए होती है एक टाइम पे. आप अपने दोस्त के साथ कब तक अच्छा करते रहेंगे? एक टाइम आता है कि तब आपका दिल चाह रहा होता है कि नहीं अब हमें भी जरूरत है इन चीजों की. तो हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है, कुछ ले और कुछ दे पे चल रहा होता है. अब जितनी ज्यादा ये रेसिप्रोसिटी अफेक्टिव होती है या जितनी ज्यादा अच्छी चल रही होती है वो रिलेशनशिप उतना ही लॉन्ग टर्म उतना ही अच्छा होता है. यानी कि आप ये कह लें कि आपने बहुत दफा बहुत सी जगहों पर बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, कि करेंसी से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू शॉपिंग करते थे कि अगर आपको खाने के लिए चावल चाहिए तो आप उसके लिए घर से कुछ और आपके पास पड़ा है तो आप वो जाके उस शॉपकीपर को दे देंगे, वो फिर आपको इन रिटर्न चावल दे देंगे. तो इसी तरह सोशल साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है सोशल एक्सचेंज. सोशल एक्सचेंज मीन कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ रहने वाले या जिनके साथ हम अपना रिलेशनशिप शेयर कर रहे होते हैं वो उनके राइट्स होते हैं, और इसी तरह जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारे राइट्स हैं. तो अगर हम अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक इफेक्टिव वे में एक अच्छे तरीके से लेके चलते जाएंगे तो उतनी ही ज्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है. लेकिन अगर हम अपनी आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सोशल एक्सचेंज को अपने राइट्स को एक अच्छे वे में नहीं लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसका फिर कोई ना कोई बैड इफेक्ट होगा ना आप पे, आपका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा. इसको कहा जाता है सोशल साइकोलॉजी में कम्युनल अप्रोच. यानी कि अगर आपकी कम्युनल अप्रोच अच्छी चल रही है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आप मतलब आप ये करें कि अगर लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए है तो आपने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल सेट करने हैं अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, कि अगर आपको एक दूसरे की डिफरेंट नीड्स के मतलब आपका फर्ज बनता है कि आप एक दूसरे की डिफरेंट नीड्स को फिल करें. आप दोस्त हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो दोस्त हैं और एक दोस्त हमेशा अपने दोस्त के लिए खरीद देता है, अगर उसे पता चले कि जी फलां नोट्स रखवाए हैं तो उसने सोचा कि आज वो नहीं आया या चलो वो घर चला गया जल्दी तो मैं उसके लिए नोट्स खरीद लेता हूँ. अब आप उसे नोट्स देंगे, नेक्स्ट टाइम आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप किसी टाइम पे क्लास में प्रेजेंट नहीं थे या आपके पास नोट्स नहीं है या आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो भी आपकी उतनी ही हेल्प करें, क्योंकि इससे क्या होगा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा. आपकी बहुत सी दोस्तियां हो सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हुई हों या पहले मंथ में हुई हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जाना हो कि नहीं इस पर्सन के साथ मेरी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं चल सकती और मुझे यहाँ से अपनी दोस्ती को थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी और तरफ लेके किसी और पर्सन के साथ मेरी ज्यादा अच्छी दोस्ती चल सकती, तो वहां पर जाकर फिर हम इस दोस्ती को एक नए वे में लगता है. अब यहाँ पे अगर आप मतलब डिफरेंट और देखें, आप बच्चों कह सकते हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो आपका मैरिज का डिफरेंट इल्यूजन्स हो जाते हैं ना उससे पहले, कि जब आप नई नई शादी होती है तो पहले 2 माह या 3 माह आप बड़े खुश होते हैं, तब वो एक हनीमून पीरियड होता है, चीजें बड़ी इफेक्टिवली चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ता जाता है तो आप अपनी पॉजिटिव आप देखते हैं कि आपको अपने पार्टनर की पहले सिर्फ बहुत सी हर चीज पॉजिटिव लग रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके आपको पता चलता है उसके अंदर ये बुरी आदतें भी. अब बुरी आदतें हर इंसान के अंदर होती है ना, हम सब के अंदर भी है कोई ना कोई, लेकिन उन बुरी आदतें होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम वहां पे उस पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दें, खत्म कर दें या उसके बारे में सोचे ही ना कुछ या उसको हम एक इफेक्टिव वे में लेकर चले ही ना. तो वहां पे फिर हमें उन अच्छी आदतों को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा होता है कि हमें उन चीजों को कैसे लेके चलना या उन चीजों पे हमारा किस किस तरह से आप कह सकते हैं कि जोर है या उन चीजों को इफेक्टिव वे में किस तरह से लेके चलेंगे. तो जितना अब और हम हमेशा से बाज़ुकात कुछ रिश्तों में सिर्फ पॉजिटिव इल्यूजन रख लेते हैं. इल्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया ही होगा तो इल्यूजन का आपको अच्छी तरह से पता है. अब व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव इल्यूजन?
पॉजिटिव इल्यूजन में ये होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे जी पार्टनर में कोई भी बुरी आदत सिरे से पाई ही नहीं जाती, वो आप ये कह लें कि फरिश्ता सिफ्त और ये सब कुछ सोच सोच के ये चीजें लेके हम चल रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उसकी बहुत सी गलतियों को देखते ही नहीं है, लेकिन हमें वो भी उस वक्त देखनी चाहिए। और उन देखने का मतलब हरगिज नहीं है कि हम उन्हें छोड़ दें, उन देखने का मतलब ये है कि हम उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें जिस तरह से वो है। और हमारे अंदर ये बच्चों होना भी चाहिए कि सिर्फ कुछ उन गलतियों को ठीक करना चाहिए। अब आप देखें ना, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमारी बहुत सी बुरी आदतों की वजह से भी रहते हैं, वो आपको छोड़ तो नहीं देते। आपके बहन भाई आपके साथ आपकी बहुत सी बुरी आदतों की वजह से भी रहते हैं, वो आपको छोड़ तो नहीं देते, या आपके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म तो नहीं कर देते ना। तो ये है कि हर चीज को एक इफेक्टिव वे में और एक अच्छी तरह से लेकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो इफेक्टिवली चलता जाएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आपको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है, आप भी बहुत सी जगहों में जाके बिल्कुल दंब हो जाते हैं। तो ये था कि हम अगर पॉजिटिव चीजों को या जितने ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होंगे या जितनी ज्यादा चीजों को लेकर चलेंगे अच्छे वे में, तो उतना ही वो रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा। हमें एक दूसरे के पिटफॉल्स को अवॉइड करना चाहिए और एक बैलेंस और गुड रिलेशनशिप को बनाना चाहिए। होप सो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपकी मीटिंग में एंड करने लगी हूँ, आप जरा इसको दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी मैम।